हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मजे में होगे। आज मैं आ गया हूँ नाइग्रा फॉल्स और अभी रात के बज रहे हैं 9, और मैंने सोचा रात के नाइग्रा फॉल के जो व्यू है उसी से इस वीडियो को स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे रात का व्यू भी दिखाने वाला हूँ नाइग्रा फॉल्स का, और उसके साथ ही दिन का व्यू भी दिखाने वाला हूँ। मैं भी खुद पहली बार आया हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं नाइग्रा फॉल्स। सामने है नाइग्रा फॉल्स, और सबसे पहले जहाँ पे लेके आ रहा हूँ यह सबसे मेन जगह नाइग्रा फॉल्स की। मैं कनाडा वाली साइड हूँ, और कनाडा वाली साइड से जो व्यूज़ हैं नाइग्रा फॉल्स के वो ज़्यादा बढ़िया हैं, ऐसे सब बोलते हैं। और सामने ये जो चीज़ आप देख रहे हो इसका नाम है हॉर्स शू फॉल्स। तो ये सबसे बढ़िया जगह है नाइग्रा फॉल्स के अंदर, जितना भी मैंने गूगल किया उसके हिसाब से। पानी के छींटे अभी ही फील होने लग गए हैं, पानी से मैं काफ़ी दूर हूँ, और मुझे जल्दी से देखने दो। वाह, इतना सारा पानी उस साइड पे पानी इतना तेज़ है कि आपको फॉल्स भी नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ बौछारें दिख रही हैं। और एक फॉल इस साइड पे भी है। तो इधर आते हैं, पहले आगे की तरफ जो पूरा अपना टूर है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और पानी जो है कलर्स इन पे पड़ रहे हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। एंड अभी रात के 10:30 हो रहे हैं, तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। दिन के टाइम पे यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। एंड अब जाके वो स्पॉट मिला जहाँ से क्लियर मैं देख पा रहा हूँ वाटरफॉल्स। वाओ, एंड कलर्स की वजह से और भी ज़्यादा सही लगता है रात को। ये वीडियोस में ही देखा है, आज पहली बार देख रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ एंजॉय करो। नाइग्रा रिवर है ये, और कितने टन पानी क्या आता है उसका मैथ्स नहीं है, बट गूगल से कुछ मिला तो ज़रूर डालूंगा। बट व्यूज़ जो है बहुत ही अमेजिंग है, और ये सब जो आप देख रहे हो पानी के छींटे ही हैं। इतना ज़्यादा नीचे पानी गिर रहा है कि इतने बड़े बड़े छींटे आपको ऊपर तक आते हुए देख रहे हैं। तो सारी चीज़ जो आप देख रहे हो पानी के छींटे ही हैं। वाह, ऐसा कुछ भी मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, फर्स्ट टाइम। एंड एक बार इस साइड को देखो, ये सारा ये चीज़ आप देख रहे हो जाते हुए, ये सारा पानी है यार। और ये सब जो आप देख रहे हो इधर, ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ बारिश हुई हो, बट बारिश नहीं हुई है। ये जो वाटरफॉल है इसके छींटे इतने ज़्यादा यहाँ पे हैं कि पूरा बारिश की तरह यहाँ पे भीगा रहता है। अभी मैं बिल्कुल पास आ गया हूँ वाटरफॉल के, तो अभी यहाँ पे जो बारिश की बूंदे हैं वो तेज़ हो रही हैं। बारिश कह लो, बचा जो भी छींटे हैं इस पानी के, वो यहाँ से वाटरफॉल का जो स्केल है वो आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ। सी कितना पानी, वाह, पूरी बारिश इस टाइम पे हो रही है। दिन में तो और भी बढ़िया लगेगा, रात में लाइट्स की वजह से अच्छा लग रहा है। दिन में पूरा क्लियर पानी भी दिखेगा दूर तक, तो और बढ़िया लगेगा यार। तो ये जो है ये है हॉर्स शू फॉल्स, सबसे मेन अट्रैक्शन है नाइग्रा फॉल्स का ये। और कुछ डिफरेंट कलर्स, एंड हर कलर में अच्छा ही लग रहा है यार ये नाइग्रा फॉल्स जो है। रात में आने का तो मज़ा ही आ गया। और ये है सेकंड फॉल्स जो कि देखने में अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पे इतने ज़्यादा छींटे भी नहीं हैं। जूम करके अब यहाँ से थोड़ा और बेटर आपको दिखा सकता हूँ मैं। सामने पानी गिर रहा है, कलर जो है वो यहाँ से चेंज होता है जो लाइट्स हैं, तो यहाँ से बेसिकली ये लोग ऑपरेट कर सकते हैं कौन सा कलर फॉल्स का होना चाहिए। तो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से प्रोजेक्ट होती हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़। और यहाँ पे नाइग्रा फॉल्स के अंदर सिर्फ ये पानी ही नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्काईलाइन टावर, इसके साथ ही सामने ये यहाँ पे ये वाइट वाइट जो है ये एक फेरिस व्हील है, ऑब्जर्वेशन व्हील जिसको आप बोल सकते हो। काफ़ी चीज़ है, और काफ़ी कसिनोज होटल्स वगैरह यहाँ पे हैं, तो मज़ा काफ़ी आएगा आपको। और यहाँ पे 20 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक रोज़ रात को 10 बजे फायरवर्क्स होते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया फायरवर्क्स शुरू हो गए, मुझे पता नहीं था क्यों हो रहा है। अभी मुझे किसी ने बताया कि 10 अक्टूबर तक एवरी डे यहाँ पे फायरवर्क्स होंगे, तो अब इन्जॉय करो फायरवर्क्स, और उसके बाद आपको दिन वाला व्यू दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग, अमेजिंग नाइग्रा फॉल्स के व्यू के साथ। तो रात के मुकाबले दिन वाला सही लग रहा है या रात वाला बेटर था बताना ज़रूर। और यहाँ पे नीचे बोट्स आपको दिख रही होंगी, ये जो ब्लू वाली हैं ये अमेरिका की हैं, और नीचे पिंक कलर में जो है ये है कनाडा की। और अभी पास से मैं देख पा रहा हूँ, रात को लाइट्स के साथ थोड़ा अलग लग रहा था, अब जो व्यू है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और ये जो टावर आप देख रहे हो यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग हैं, और ये है अमेरिका वाला साइड। और अभी कुछ ही देर में मैं अमेरिका भी एंटर करने वाला हूँ, इसके बाद जो वीडियो देखोगे वो कनाडा से अमेरिका ब्रिज क्रॉसिंग वाली ही होगी। तो ये है पहला फॉल, और जो दूसरा सबसे बड़ा फॉल है उस साइड पे जिसका नाम है हॉर्स शू फॉल, उधर भी चलते हैं। और अभी सुबह का टाइम है तो ज़्यादा लोग नहीं है। तो ये एक टिप है जो मैंने ट्रैवलिंग करके सीखी है कि कहीं भी जाना है या तो लेट नाइट जाओ या अर्ली मॉर्निंग, तो लोग जो हैं वो कम होते हैं। तो ये है फर्स्ट फॉल, अब चलते हैं हॉर्स शू फॉल की तरफ। और यहाँ पे जिप लाइन भी होती है, तो जिप लाइन करना चाहते हो, स्काईलाइन टावर पे जाना चाहते हो ऊपर से देखने के लिए पूरा व्यू,
तो आप जा सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ये सामने को एक स्ट्रीट जाती है जो कि पूरा रेप्लिका है लास वेगास का। तो यहाँ पे बहुत सारी फन चीजें अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। एंड मौसम बड़ा अच्छा है यार। अभी लॉस एंजल्स जाके तो गर्मी ही लगनी है, बट फिलहाल यहाँ पे जो वेदर है वो बहुत ही प्यारा वेदर है, सुकून वाला वेदर। और अब देखते हैं, इंजॉय करते हैं व्यू। और बॉटम में बोट के ऊपर अभी लाइन अप हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा, पिंक वाले जो हैं वह कैनेडियन साइड, और वहाँ पे दूसरी साइड जो अमेरिका का है वो देख रहे हो आप कहाँ जा चुकी है। बिल्कुल वो वहाँ से मुड़ के आएगी एकदम नीचे से, और बंदे जो हैं पूरा भीग जाते हैं यहाँ पे। और अब आ गए हैं हॉर्स शू फॉल्स के ऊपर। ये है मेन अट्रैक्शन नायग्रा फॉल्स का। सबसे बड़ा जो फॉल है वो यहीं पर है, और बोट बिल्कुल बीच में ले जाती है यहाँ पर। तो यहाँ आ रहे हो तो ये बोट वाला जो अट्रैक्शन है ज़रूर लेना आप लोग, मज़ा आएगा। आई थिंक $15-20 टिकट है पर पर्सन, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। एंड यहाँ पे जो शेयर अमाउंट है चीटो का, उसका कोई स्केल नहीं मैं आपको दे सकता, बट यहाँ पे जब आप खड़े हो तो ऐसे ही लगता है कि बारिश हो रही है, इतना ज़्यादा चीटे रहते हैं। ये सब जो आप देख रहे हो बारिश वाला ही काम है। और रात को ज़्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि रात को लाइट्स वगैरह इन्होंने बहुत अच्छे से लगाई होती हैं। बहुत ही अच्छी जगह, और यहाँ के पता लगता है क्यों 7 वंडर्स में है ये जगह। एंड ये है मेन पॉइंट। तो यहाँ से बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। रात को मैंने मिस कर दिया था, बट अभी मैंने कहा जाने से पहले देखना तो बनता है। क्या बात है यार, वाह। एंड बोट आ गई है नीचे, बिल्कुल यहाँ पे ले जाके बोट को पार्क कर देते हैं कुछ मिनटों के लिए, ताकि लोग जो है पूरा मज़ा ले पाएँ। और जिस जगह पर पानी गिर रहा है यहाँ पर हाल देखो कितना बुरा है। वाह, अमेजिंग प्लेस। और दूसरा वाटरफॉल जो है वो है आगे। एंड अभी स्लोली स्लोली जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जो लोगों की तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है। और यार ये होटल्स में जो लोग रहते होंगे उनका व्यू जो है वो बहुत ही मस्त होता होगा, बट इन वाले होटल्स में अगर आपको रूम चाहिए तो 2-3 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है, तब जाके रूम मिलता है, क्योंकि इनकी डिमांड जो है वो बहुत ही हाई है एंड प्राइस उससे भी हाई है। और कैनेडा वाले साइड भी नीचे जाने के लिए सेक्शन है जो कि बिल्कुल ही फॉल्स के पास ले जाता है नीचे। एक ये है और एक इसके अलावा इस साइड पर है, बट जाना कहाँ से वो मुझे अभी तक नहीं पता लगा। और उसके साथ ही जो टाइम है वो 10:30 हो गए हैं, और 11 बजे जो सामने आपको ब्रिज दिख रहा है ये मुझे क्रॉस करना है 11 बजे, क्योंकि इसको क्रॉस करके मुझे अमेरिका जाना है, और वहीं से मुझे फ़्लाइट लेनी है न्यूयॉर्क सिटी के लिए। तो अब चलते हैं होटल। तो आज की वीडियो को यहीं पे करता हूँ ख़त्म। तो कैसा लगा नायग्रा टूर, और कौन सा व्यू आपको पसंद है, डे वाला या नाइट वाला? तो अब आप बताओ, आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतज़ार। और अगर वीडियो पसंद आई है आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब इसी नोट पे वीडियो को करता हूँ ख़त्म, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।